साथियों, क्या आपको पता है ओलंपिक गेम्स की शुरुआत आज से तकरीबन 2500 साल पहले हुई थी। ओलंपिक के शुरू होने के बारे में चार रोचक कहानियां हैं जो मुख्य रूप से प्रचलित हैं। आज की वीडियो में हम उन चारों कहानियों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता, उसका जन्म अपने प्यारे देश भारत में हुआ था। इसके अलावा आपको जानकर ये भी मजा आएगा कि जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तब स्विमिंग से रिलेटेड सारे इवेंट समुद्र के बर्फीले पानी में होते थे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं ओलंपिक गेम्स के पीछे छुपी चार कहानियों के बारे में। पहली कहानी के मुताबिक साल 1370 ईसा पूर्व में रिया नाम की एक महिला थी जिसे ज्यूस की पत्नी और देवताओं की माता के रूप में जाना जाता था। रिया नाम की उस महिला की मूर्ति को रोम के लोगों ने ओलंपिया के जंगलों में स्थापित किया था। अब लोगों में आपस में ये झगड़ा होने लगा कि रिया माता की पूजा सबसे पहले कौन करेगा। इसे लेकर रोम में के लोगों में रोज झगड़े होने लगे, रोज झगड़े होते रहते थे। इस झगड़े को देखते हुए उस समय वहां के धार्मिक गुरु ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने पूरे रोम में ये ऐलान करवा दिया कि रोम में साल के एक खास दिन पर एक दौड़ का आयोजन किया जाएगा और जो इंसान इस दौड़ में जीत हासिल करेगा वो जीत हासिल करने वाला इंसान ही पूरे साल रिया माता की पूजा करेगा। दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है कि ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ग्रीक गॉड ज्यूस के बेटे हरकुलिस को अपने जीवन में 12 कर्तव्य पूरे करने थे। उन कर्तव्यों में पांचवें नंबर का कर्तव्य ये था कि हरकुलिस को किंग अगासियस को मारना था और हरकुलिस जब किंग अगासियस को मारकर वापस ओलंपिया लौटा तो उसकी जीत के जश्न के रूप में एक रेस का आयोजन किया गया था। इस रेस को भी पहले ओलंपिक के रूप में जाना जाता है। तीसरी कहानी के मुताबिक पेलोपोनिस के राजा पेलोपस ने अपने पिता को एक राज बताया कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है जिसका नाम हिपोदेमिया है और मैं अब हिपोदेमिया से शादी करना चाहता हूँ। इस बात से उसके पिता बहुत नाराज हो गए और उन्होंने पेलोपस के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने पेलोपस से कहा कि अगर तुम मुझे घुड़दौड़ में हरा दोगे तो मैं हिपोदेमिया के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इसके बाद एक घुड़दौड़ का आयोजन किया गया जिसमें पेलोपस ने अपने पिता को हरा दिया और हिपोदेमिया से शादी कर ली। इस घुड़दौड़ को भी पहले ओलंपिक के रूप में देखा जाता है। चौथी कहानी के मुताबिक ट्रोजन वार हीरो जिसका नाम अकिलीज था उसका एक बहुत खास अच्छा दोस्त था जिसका नाम पेटोक्लक्स था। पेटोक्लक्स ने ट्रोजन वार में अकिलीज को जीत दिलवाई थी और उस लड़ाई के आखिरी दिन पेटोक्लक्स की मौत हो जाती है, वो मर जाता है। पेटोक्लक्स की अंतिम संस्कार का भव्य आयोजन किया गया और उस आयोजन में घुड़दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती, पैदल दौड़ और भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता को भी दुनिया के पहले ओलंपिक के रूप में देखा जाता है। एक दिलचस्प वाक्य ये भी है कि ओलंपिया के इन इवेंट्स में ज्यादातर एथलीट बिना किसी कपड़ों के खेलने के लिए उतरते थे। माना यह जाता था कि वे ग्रीक गॉड को अपनी शारीरिक क्षमता दिखाने के लिए ऐसा करते थे। अब हम सीधा 18वीं सदी में आ जाते हैं। 5 अप्रैल 1896 के दिन करीब 50,000 दर्शकों से भरे एथेंस के स्टेडियम में ग्रीस के किंग जॉर्ज प्रथम की ऑफिशियली अनाउंसमेंट के बाद पहले इंटरनेशनल ओलंपिक इवेंट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये वो तारीख नहीं थी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी ने पहले ओलंपिक इवेंट के लिए तय की थी। आईओसी ने पहले ओलंपिक की शुरुआत के लिए साल 1900 तय किया था और ये गेम पेरिस में आयोजित किए जाने थे। दरअसल किंग जॉर्ज का मानना था कि ये ओलंपिक गेम्स पेरिस से पहले प्राचीन ओलंपिक की जन्मस्थली ओलंपिया में आयोजित किए जाने चाहिए। लेकिन ओलंपिया सिटी के साथ एक दिक्कत थी कि वहां पर सड़क और समुद्री मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत कमजोर थी, मगर फिर भी एथेंस को पहले ओलंपिक स्थल के रूप में चुना गया। हालांकि परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि ग्रीक गवर्नमेंट कंगाली से जूझ रही थी। ऐसे में ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना उनके लिए टेढ़ी खीर थी। इससे निपटने के लिए ग्रीस के क्राउन प्रिंस ने जनवरी 1895 में 12 सदस्य वाली एक कमेटी को गठित किया, एक समिति को
गठित किया। समिति ने दुनिया भर के यूनानियों से दान मांगा, लेकिन दान का पैसा इवेंट के लिए काफी नहीं था। ऐसे में ग्रीस के व्यापारी जॉर्जियस एवराफ ने आगे आकर 9,20,000 सोने के सिक्के दान में दिए। इन्हीं पैसों से 50,000 दर्शकों की क्षमता वाले एथेंस के पेनाथियन स्टेडियम को फिर से संगमरमर से तैयार किया गया। इसी स्टेडियम में पहले ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। मैराथन दौड़ के शुरू होने के पीछे भी एक रोचक किस्सा है। सन 1492 ईसा पूर्व में ग्रीक सेना ने मैराथन नामक जगह पर एक पर्शियन सेना को हराया था। ग्रीक सेना ने जीत का संदेश मैराथन से करीब 25 मील दूर एथेंस तक पहुंचाने के लिए ग्रीक सैनिक फिडिपिडीज को चुना। फिडिपिडीज दौड़कर एथेंस पहुंचे और चिल्लाते हुए उन्होंने एक संदेश दिया कि साथियों, हम जीत गए। और ये संदेश देने के ठीक बाद वे जमीन पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। माना यह जाता है कि इसी सैनिक की याद में मैराथन रेस की शुरुआत हुई। ओलंपिक के शुरुआती सालों में ये रेस 25 मील की होती थी, लेकिन 1908 में लंदन ओलंपिक में ब्रिटिश रॉयल फैमिली के हस्तक्षेप के बाद मैराथन रेस को बढ़ाकर 26.2 मील यानी कि करीब 42 किलोमीटर का कर दिया गया था। मैराथन के बाद स्विमिंग का मैच शुरू हुआ। इस आयोजन में स्विमिंग के लिए कोई भी पूल नहीं था, बल्कि समुद्र में स्विमिंग के मैच आयोजित किए गए थे। ठंडे पानी और समुद्र की गहराई के चलते हर तैराक के साथ एक नाव चल रही थी। पहले 100 मीटर की दूरी तय करने के बाद एक अमेरिकी तैराक चिल्लाया, मैं जम रहा हूं साथियों, मुझे बाहर निकालो, और साथ में चल रही नाव पर ये कहकर वो चढ़ गया। इसके बाद कुछ और तैराक भी इसी तरह पानी से निकल गए। कुछ ने संघर्ष किया, जिनमें हंगरी के अल्फ्रेड हाजोस भी थे, जिन्होंने 18:22 में 1200 मीटर की दूरी तय करके इवेंट में जीत हासिल करी थी। इवेंट के बाद उन्होंने कहा कि जीतने से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी है कि वे पानी से जिंदा बाहर निकल सकने में कामयाब हो सके। 1900 में पेरिस में आयोजित ओलंपिक प्रदर्शनी के रूप में आयोजित किए गए थे, जिसे आमतौर पर विश्व मेला कहा जाता था। लोग ओलंपिक को लेकर ना तो इतने जागरूक थे और ना ही उनमें इसे लेकर क्रेज था। इस दौर में ऐसे कई खिलाड़ी थे जो अनजान थे कि वे ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। ऐसी ही एक एथलीट मार्गरेट एबोट थी। मार्गरेट अपनी माँ मैरी के साथ पेरिस में रहकर आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी, साथ ही वो गोल्फ भी खेला करती थी। इस दौर में महिलाओं को बहुत से खेल नहीं खेलने दिए जाते थे, लेकिन गोल्फ क्लबों में उनकी एंट्री हो चुकी थी। इसी दौरान एक दिन मार्गरेट ने एक स्थानीय न्यूज़पेपर में एक गोल्फ टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा, जो 4 अक्टूबर 1900 को होने वाला था। पेरिस से 50 मील दूर एक क्लब में आयोजित इस टूर्नामेंट में एबोट और उसकी मां ने हिस्सा लिया। एबोट को इस टूर्नामेंट में पहला स्थान मिला, जबकि उनकी मां मैरी 7वें स्थान पर रही। हालांकि एबोट अब तक पूरी तरह अनजान थी कि उन्होंने ओलंपिक में हिस्सा लेकर ये खिताब जीता है। एबोट का जन्म भारत के कोलकाता शहर में हुआ था। इन सब किस्सों और कहानियों के अलावा ओलंपिक में और भी कई रोचक और महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुए हैं, जिन्हें मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।